आंसर अब लाल होगा। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब तबाही चल रही है, बिल्कुल सॉलिड सॉलिड लेवल की तबाही चल रही है। मतलब सालार यार, जो बिग क्लैश चल रहा था डंकी वर्सेस सालार में, यहाँ सालार के पास पूरा फेवर पहुंच जाएगा ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मतलब डे वन पर ह्यूज ह्यूज ओपनिंग भाई, 170 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग होने वाली है। एंड हू नोज, ये आंकड़ा 200 करोड़ भी टच कर जाए, पहले ही बोल दे रहा हूँ बाय गॉड 150 करोड़ से नीचे आना ही आना नहीं है। इतने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे आज जबरदस्त तरीके, मतलब बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है भाई, प्रभास खुद अपनी मूवी के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। मतलब ये वही बंदा है ना जो कह सकता है एक बार के लिए कि भाई मेरे रिकॉर्ड सिर्फ एक ही इंसान तोड़ सकता है और वो मैं खुद। भाई एडवांस बुकिंग से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले फर्स्ट रिव्यू आ चुका है। 12:30 बजे रात के फर्स्ट प्रीमियर लगाया गया था, बेंगलुरु में ओपन हुआ और जो सेलिब्रेशन हुआ है, जो लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया है भाई, फैंस पागल हो गए। मतलब लोग रात को सोते हैं और यहाँ पर प्रभास के लिए लोग अपनी नींद को भाई ख़राब करके, इस टाइम पर विंटर चल रहा है भाई, ठंड चल रही है, ठंड के टाइम पर रजाई में कितनी बढ़िया नींद आती है, बावजूद उसको सब त्याग कर भाई इसके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मूवी को देखने जा रहे हैं। और जो रेस्पॉन्स मिल रहे हैं और जो रिव्यू आ रहे हैं, बहुत ही सॉलिड एंड बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं भाई। एक्साइटमेंट लेवल अब यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है मूवी को देखने के लिए, बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं और यार क्या ही, मतलब भयंकर लेवल की तबाही चल रही है। तो एडवांस बुकिंग से स्टार्ट करते हैं भाई, फाइनल एडवांस बुकिंग आज डे वन के लिए कितनी क्या हो चुकी है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, तेलुगु से शुरुआत करेंगे जहाँ पर फाड़ के रेस्पॉन्स मिल रहा है। भाई साहब सिर्फ तेलुगु से फाड़ के रखा है, बिल्कुल मेजर मेजर रेस्पॉन्स मिल रहा है। 38,15,85,000 की एडवांस कलेक्शन सिर्फ तेलुगु रीजन से कर ली है, इट मीन्स की तेलुगु लैंग्वेज से कर ली है। और टोटल टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं 16,96,309 सिर्फ तेलुगु से। एवरेज टिकट प्राइस 220 और 6,262 सोच। मलयालम लैंग्वेज की बात करें तो 2,20,57,000 का कलेक्शन सिर्फ मलयालम लैंग्वेज से आया, जिसमें से 1,50,959 टिकट यहां से सोल्ड आउट करे हैं। एवरेज टिकट प्राइस 139 एंड 1,135 सोच। तमिल लैंग्वेज की बात करें तो भाई साहब 1,87,01,000 के आसपास सिर्फ तमिल लैंग्वेज से एडवांस बुकिंग आया है, जिसमें से 1,33,243 टिकट सोल्ड आउट कर चुके हैं ये लोग सिर्फ तमिल लैंग्वेज से। एवरेज टिकट प्राइस 127 एंड 1,711 सोच। भाई देखा जाए तो टिकट प्राइस बहुत सस्ते हैं, तो इसी वजह से बहुत अच्छी बुकिंग भी हुई है और ये चीज़ ज़बरदस्त भी है। और डे वन के लिए बड़ी फार बुकिंग आने वाली है भाई साहब, कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। कन्नड़ा लैंग्वेज की बात करें तो 56,89,998 रुपये का एडवांस कलेक्शन कन्नड़ा लैंग्वेज से हुआ है, जिसमें 30,054 टिकट उन्होंने वहाँ बेचे हैं 192 रुपये की। एवरेज टिकट प्राइस है 232 सौ। हिंदी 2D भाई, हिंदी से इतना एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, क्योंकि हिंदी पर डंकी चल रही है तो डंकी के तो डंके बजे पड़े हैं, लेकिन भाई सालार ने हिंदी में भी जो छाप छोड़ी है, जो कलेक्शन लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर बाहुबली 2 जैसा कलेक्शन हिंदी से आ जाता है इसमें, तो भाई ये मूवी 200 करोड़ ईजिली टच करती और इससे भी ऊपर निकल जाती आराम से। 5,58,38,000 का एडवांस कलेक्शन सिर्फ हिंदी से आया है, जिसमें 2,16,532 टिकट उन्होंने सोल्ड आउट करे हैं। एवरेज टिकट प्राइस 248,7,187 सोच। तेलुगु आईमैक्स 2D की बात करें तो 33,69,161 रुपये 4,383 टिकट सोल्ड आउट किए हैं 694 का। एवरेज टिकट प्राइस है 28 सोच है। हिंदी आईमैक्स 2D की बात करें तो 6,66,000 का कलेक्शन वहां से आया है, 972 टिकट सोल्ड आउट करे हैं और 650 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस है 37 सोच। भाई मुद्दे की बात पर आओ कि टोटल कलेक्शन कितना क्या है एडवांस से, भाई इतना ना नेट इंडियन कलेक्शन भी नहीं होता है डे वन की ओपनिंग के लिए, और बहुत सी मूवी का तो लाइफ टाइम कलेक्शन भी नहीं होता है, जिसने सिर्फ एडवांस से सिर्फ इंडिया से इतना जबरदस्त नेट इंडियन कलेक्शन सिर्फ एडवांस बुकिंग में कर रखा है। भाई 48,79,00,000 का कलेक्शन इसने सिर्फ एडवांस से कर दिया है। एंड हु नोज, ये आंकड़ा 7 से 8 बजे तक या फिर 10 बजे तक, क्योंकि ये सुबह 4 से 4:30 बजे तक की अपडेटेड रिपोर्ट है, और यही आंकड़ा 8-9 बजे तक हु नोज 50 करोड़ भी पहुंच जाए, तो एडवांस बुकिंग में भाई 50 करोड़ कवर करना बिल्कुल मामूली बात नहीं है। आई थिंक गदर 2 का फर्स्ट डे का ओपनिंग कलेक्शन ही 50 करोड़ के आसपास था और इसने सिर्फ एडवांस से इतना किया, तो अभी जब ये फुल डे में कमाई करेगी
इजली भाई नेट इंडिया से 100 करोड़ आता नजर आ रहा है भाई। टोटल मुद्दे की बात पर आओ कि टोटल टिकट कितने सोल्ड आउट कर दिए हैं, 22,32,452 टिकट ये लोग सोल्ड आउट कर चुके हैं, जो कि अलग लेवल की तबाही है। अनप्रिडिक्टेबल था ये भाई, किसी ने ऐसी उम्मीद ही नहीं करी थी, क्योंकि डंकी शाहरुख खान ने जो छाप छोड़ रहे थे डंकी के हिसाब से, तो भाई ऐसा लग रहा था कि आधा आधा का कलेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, सलार ने भाई ठोक के मारा है और फाड़ के रखा है। 16,592 सोच, और बहुत अच्छी है भाई, सोच इतने ज़्यादा नहीं है जैसे जवान के टाइम पर था। अगर 20,000 सोच अगर इसको मिल जाते तो तबाही मच जाती, बिल्कुल तबाही मच जाती। इसी के साथ अगर बताऊँ तो भाई कहाँ से, मतलब कौन से रीजन से, कौन सी स्टेट से फाड़ के रेस्पॉन्स मिला, भाई आंध्र प्रदेश से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। 13,18,00,000 की बुकिंग सिर्फ आंध्र प्रदेश से हुई है। गुजरात से 75,82,000 की हुई है। देन कर्नाटका से 7,52,00,000 की, केरला से 2,45,00,000, महाराष्ट्र से 1,13,00,000। भाई महाराष्ट्र से स्टार्टिंग में इतना रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि डंकी का कब्जा चल रहा है वहां पर, लेकिन बावजूद इसके सरार को फाड़ के रेस्पॉन्स मिला है। ओडिशा से 67,49,000, तमिलनाडु से 2,18,00,000, तेलंगाना से 17,30,00,000, दिल्ली से 87,42,000 का कलेक्शन। भाई इन जगह पर ये मूवी फाड़ के रख रही है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्हीं जगहों पे चल रही है, और भी जगहों पे चल रही है, बट मेजर जो रेस्पॉन्स आ रहा है, मेजर जो कलेक्शन देखने को मिला है, वो इन्हीं रीजन से देखने को मिला है। तो भाई साहब ये डे वन पर कितना कलेक्शन करने वाली है, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इस साल जितने भी ये जवान, पठान, लियो, जितनी भी ये मूवी आई हैं भाई, जो अपने फर्स्ट डे पर रिकॉर्ड सेट करके गई हैं, सभी टूटेंगे एक एक करके, नेट इंडिया से, क्रॉस कलेक्शन से, ओवरसीज से। भाई ओवरसीज का तो अभी ढंग से क्लियर डेटा भी नहीं आया है, लेकिन जो कल तक आया था, सिर्फ यूएसए से ये मूवी अराउंड 2 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है एडवांस कलेक्शन के मामले में। और जब ओवरसीज का पूरा डेटा आएगा, ओवरसीज से कनाडा से कितना कमाया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, देन यूरोपियन कंट्री, देन गल्फ कंट्रीज, इन सभी के जब डेटा आएंगे, तो भाई पूरा ना बॉक्स ऑफिस फट जाएगा, क्रैश हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 200 करोड़ इजीली टच करने पे ये जा रही है। लेकिन डेफिनेटली मिनिमम स्केल सेट करें, अर्ली एस्टिमेट अगर सेट करें, तो भाई साहब 170 करोड़ कहीं नहीं गए इसके डे वन के ओपनिंग में, नेट इंडिया एंड ओवरसीज को मिला के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पे। तो भाई आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है, क्या ये मूवी फर्स्ट डे 200 करोड़ ठोक के जाएगी नहीं जाएगी? भाई मैं मान के चल रहा हूँ 170 करोड़ इजीली ठोक के जाएगी, एंड मैं 200 करोड़ ये ठोक के जाएगी, मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई, दिल से चाहता हूँ प्रभास का कम बैक हो, और इस तरह से कम बैक हो कि भाई कोई भी आने वाले 10-15 साल तक इसकी कोई फिर से बराबरी ना कर पाए, जैसे बाहुबली 2 की बराबरी अभी तो कोई कर भी नहीं पाया है। दूसरा, मूवी रिव्यू के लिए वेट करना, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, जबरदस्त रिव्यू आने वाला है इसका। जय हिंद।